आवाज़ का मुझे ज़रा कंफर्म कर दें कि आवाज़ तक अब तक क्लियर पहुंच रही है कि नहीं। अगला गेंद जी, सामने स्टोन मैन, शॉट अप इन द स्काई, फील्डर किंग ऑफ एशिया, आसान कैच, मुजम्मल कामो की इसकॉन। ये बहुत बड़ा विकेट हासिल किया है। हसन पेंडा अब विकेट पे मौजूद हैं। मुजम्मल स्टोनमैन जो हैं वो आउट होकर वापस पहुंचे हैं अपने खेमे में। आवाज के बारे में बता दीजिएगा तमाम दोस्त एक एक बार। भाई बैट्समैन ने बताना, उसामा है जी नए आने वाले बल्लेबाज, फैसल बलोच भी कह रहे हैं क्लियर है आवाज, ओके हो गया। रबाडा एक बार फिर से आ रहे हैं, सामने उसामा खान है, वंस अगेन उसामा, ये अच्छा गेंद था, डॉट करने में कामयाब हुए हैं। उस्ताद केसी की टीम को कम बैक करना होगा, अगर वो ये मुकाबला हारते हैं तो इस टूर्नामेंट से उनको आउट होना पड़ेगा। मुझे अभी तक जो टीम्स बड़ी बैलेंस लगी हैं वो हुरम चकवाल की टीम है। अगला गेंद जी, सामने रबाडा, और इस बार ऊपर है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, कैच पकड़ लिया, आप एक और कामयाबी यहां पर मिलती हुई। रबाडा जो है पिछले मुकाबले में रन आए थे लेकिन इस मुकाबले में क्या कमाल की बॉलिंग जारी है हुरम रबाडा फ्रॉम लाहौर की जानब से। एहसन चिट्टा का मुकाबला अब अगले राउंड का होगा, उन्होंने पहले राउंड का मुकाबला अपने नाम कर लिया है। वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है आप तमाम दोस्तों ने, जो जो दोस्त नहीं आ रहे हैं वो पेज को फॉलो करेंगे, सियालकोट क्रिकेट को आपने फॉलो करना है। ये तीसरा मुकाबला है बट्टी कलंदर सुपर लीग का। हसन पेंडा और बॉलिंग पे होंगे सरदार हसनैन, सामने होंगे हसन पेंडा, वंस अगेन सरदार शॉट खेलना चाहते थे, इस बार डॉट बॉल होगा। आठ से नौ रन हुए हैं,
दूसरे ओवर का खेल जारी है। हसन पेंडा विकेट पे मौजूद हैं। मुजम्मल कामों की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद उसके बाद आउट हुए हैं। रबाडा ने दो कामयाबियां समेटी हैं पहले ओवर में। सरदार हसनैन एक बार फिर से रवाना होंगे सामने। हसन पेंडा लाहौरी बूम बूम शॉट फील्डर, ओह माय गॉड, गुड एफर्ट, वेरी गुड एफर्ट बाय फील्डर। उसामा अली का मुकाबला जो है वो कल होगा, कल के दिन का जो पहला मुकाबला होगा वो उसामा अली का होगा, वो तैमूर मिर्जा का होगा। आपने एक एक बार वीडियो को शेयर करना है। ओके हो गया, नहीं मसलम भाई फील्डर जो हैं वहां पर गिरे हैं, उनको गालबन को चोट लगी है। असद शाह भाई पहला मुकाबला अपना जीत गया है। हुरम चकवाल ने पहला मुकाबला लूज किया था, असद शाह ने पहला मुकाबला अपना जीता है। एहसन जहां चिट्टा, रिजवान शाह, फराजी चकवाल, अहमद कुल्फी, उन्होंने भी अपना पहला मुकाबला लूज विन किया था। और ये जो मुकाबला है हुरम चकवाल की टीम अगर ये मुकाबला लूज करती है तो इस टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। एयाज चांडियो भाई मिस्टर 360 का मुकाबला होगा इसके बाद इंशाल्लाह। अगला मुकाबला होगा उमर बाजवा, असद शाह, राणा मोहसन, मध्य मुकाबल शहीन मरीद की टीम के मबैन शहीन की नुमाइंदगी करेंगे। एहसन जहां चिट्टा, उनके साथ रिजवान शाह फ्रॉम अटक, फराजी चकवाल, अहमद कुल्फी, सफी मियांवाली जिन्होंने पहले मुकाबले में हैट्रिक की थी। जी जी मोइज़ भाई, खुर्रम रबाडा की टीम बॉलिंग कर रही है। खुर्रम रबाडा ने पहला ओवर बड़ा शानदार किया है, सिर्फ 7 या 8 रन जी हैं, दो बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। तमाम दोस्त जो हैं वो सियालकोट क्रिकेट को लाइक एंड फॉलो लाजमी करेंगे। हसन पेंडा एक बार फिर से तैयार, सामने सरदार हसनैन, डाउन द लेग साइड है, वाइट बॉल का इशारा है। वालेकुम अस्सलाम सलीम राजपूत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं। हुरम चकवाल की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, छोटा विक्की, किंग ऑफ एशिया, सरदार हसनैन, हुरम रबाडा, ये बॉलिंग टीम का हिस्सा है। हसन पेंडा, सुलेमान बनीर, मुजम्मल कामों की, अहमद लेफ्टी, ये टीम बैटिंग का हिस्सा है। अगला गेंद जी, इस बार फंबल हुए हैं, दोबारा अपने रनर पे वापस जाएंगे। मैं चेक करता हूं भाई रिजल्ट इंशाल्लाह इस ओवर के बाद। अगला गेंद जी, सरदार सामने, हसन पेंडा, अभी तक बल्ला खामोश है। हमजा भाई वालेकुम अस्सलाम, शॉट खेला है, इस बार ये पहला छक्का है हसन पेंडा के बल्ले से। ये रवायती अंदाज है, ये ट्रेडमार्क है हसन पेंडा का। भाई सलीम राजपूत, मैं वैसे बोल ही आराम से रहा हूँ, धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी ठीक ही है लेकिन धूप ज़्यादा है, धूप ज़्यादा होने की वजह से गर्मी भी है, तो अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, तो इसलिए यही सोचा है कि आराम आराम से चला जाए। वंस अगेन सरदार,
इस बार ऊपर है और इस बार कैच कॉल हुरम चकवाल, ये गेंद नहीं पकड़ सके, मजीद डॉट बॉल होगा। अगर ये विकेट हासिल करते तो यकीनन ये मुकाबला वन साइड हो जाता। खुरम चकवाल का मुकाबला है, वीडियो को मिलकर शेयर करना है आप तमाम दोस्तों ने। अगला गेंद जी, शॉट आया पेंडा, इस बार एक से छह गेंद कीजिएगा। ये गेंद आपको सिर्फ गूगल मैप के ऊपर मिल सकती है, बहुत दूर फेंका इस गेंद को हसन पेंडा ने। अगला गेंद सरदार, वंस अगेन अगला गेंद जी, इस बार गेंद डीप पॉइंट के एरिया में, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है और सिर्फ एक स्कोर पर गुजारा करना होगा। बाईस रन हो चुके हैं। दो ओवर के बाद 22 रन हो चुके हैं। वीडियो को शेयर करते जाएंगे तमाम दोस्त एक एक बार। मुजम्मल भाई आउट हो गए हैं भाई। बाईस रन हो चुके हैं जी, दो ओवर के बाद रन की तादाद 22। आज 7 से 8 मैचेस होंगे प्यारे भाई और यह तीसरा मुकाबला है आज के दिन का, जो इस वक्त जारी सारी है। चकवाल भट्टी गुजरा की सरजमीन पे जिला चकवाल है भाई। आवाज ओके है, मैं दूसरे मोबाइल से देख रहा हूँ, आवाज बिल्कुल ओके है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मेरा मोबाइल जो है वो इसका प्रोग्राम बढ़ गया है, ये मोबाइल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। रिजल्ट में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। किस चीज का इंतजार है
ये बिल्कुल भी नहीं पता। यार पानी तो प्रोवाइड करवा दो कहीं से, पानी पीना है। उसामा कालाबाग मेरा ख्याल है कि किसी टीम का हिस्सा नहीं है। उसामा कालाबाग जो है किसी टीम का आज के मैचेस में हिस्सा नहीं है। ये मुकाबला जो भी टीम जीते, बल्कि जो टीम जीतेगी वो इस टूर्नामेंट पे बने रहेगी। अगर बैटिंग की टीम जो है वो जीतती है तो वो इस टूर्नामेंट पे बनी रहेगी, बॉलिंग टीम अगर हारती है तो वो इस टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। लगातार जो दो टीमें जो है मुकाबले हारेंगी वो इस टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगी। रबाडा लक्ष्यम से बाहर है, वाइड बॉल का इशारा है। आतिफ अली भाई केसी का मैच है। अगला गेंद रबाडा, ये बहुत अच्छा गेंद था, रिव्यू लिया गया है लेकिन रिव्यू बिल्कुल भी नहीं है। वाइड बॉल का रिव्यू बिल्कुल भी नहीं है। अगला गेंद जी रबाडा सामने मौजूद है, हसन पेंडा। हाँ रबाडा बेहतरीन बॉल था ये, डॉट करने में कामयाब हुए। पच्चीस रन 24 या 25 हुए हैं। अगला गेंद जी ये गेंद बाहर थी, चार रन मिल जाएंगे। बड़ी बेहतरीन बॉलिंग जारी है, एंगल के साथ गेंद को बाहर लेके आ रहे हैं, बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं हसन पेंडा। रबाडा फिर से तैयार रहना पड़ेगा, जो ऑफ स्टंप पर गेंद पड़ेगी जो गुड लेंथ पे पड़ के ऑफ स्टंप पे फिनिश होगी उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा हसन पेंडा को। ये भी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, डॉट करने में कामयाब हुए हैं, सिंगल बिल्कुल नहीं लिया जा रहा। ये एंगल ना आ गया गेंद पर।
अगला गेंद जी सामने रबाडा, ये भी अच्छा गेंद था और फिर से बॉल डॉट होगा। बेहतरीन कीपिंग हुरम चकवाल की जानब से। अहमद अभी नहीं आया। एफएमसी का मुकाबला गालबन कल होगा। सत्ताईस रन हो चुके हैं। रबाडा एक बार फिर से आ रहे हैं सामने। हसन पेंडा शॉट, इस बार रन से मिलेंगे। बेहतरीन ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचाए। तीन ओवर के बाद 33 रन हुए हैं। यार ये बैट्समैन का नेम पूछना भाई, उसामा अरहम बट हैं जी। दूसरे रन पर जो बल्लेबाज हैं हसन पेंडा के साथ, आप स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं। नजफ अली भाई ये पहली इनिंग है। तीन ओवर के बाद 33 रन हो चुके हैं। इमरान मारू को बुलाया गया जी बॉलिंग के लिए। अरहम बट हैं हसन पेंडा के साथ, इमरान मारू ये आफताब से बाहर है। वाइड बॉल का इशारा है। एहसन चिट्टा का मुकाबला इसके बाद होगा अच्छे चार लोगों की टीम के साथ। वो बड़ा मुकाबला आज के दिन का। अगला गेंद जी शॉट खेला है, एक स्कोर का इजाफा होगा। 35 रन नहीं, इस बार 38 रन होंगे। मिस फील्डिंग वहां पर, बिना बॉल बल्कि एक बॉल 5 रन आ चुके हैं। अगला गेंद जी इमरान मारू सामने अरहम बट, ये अच्छा गेंद था, डॉट करने में कामयाब हुए। इसके बाद किंग ऑफ एशिया का मुकाबला है बैटिंग का। इस वक्त किंग एशिया की जो टीम है वो बॉलिंग कर रही है। स्लो स्वीप, दैट्स अ ब्यूटीफुल कैच एंड बैट एंड बॉल एंड बॉल गोज टू द बैकवर्ड स्क्वायर लेग। अरहम गेंद डॉट करने के बाद इस गेंद पर पिल पड़े और गेंद को रवाना किया मैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया में 6 रन के लिए। अगला गेंद जी ये ऑफ स्टंप से बाहर है, वाइड बॉल का इशारा है। अगला गेंद जी ये तेज गेंद था, डॉट करने में कामयाब हुए हैं इमरान मारू। अगला गेंद जी शॉट खेला है,
इस बार गेंद नो मैन्स लैंड में और हम चकवाल इस गेंद के पीछे हैं। दो रन पर गुजारा करना होगा। ये आखिरी गेंद है चौथे ओवर की, इसके बाद छह गेंद बाकी हैं। जी जी कैसी है भाई, कैसी है? अगला गेंद जी एच और पकड़े गए वहां पर अरहम। चार ओवर के बाद रन की तादाद है 47। रन हो चुके हैं चार ओवर के खेल के हाथ में के बाद। मुजम्मल आउट हो गया भाई। चार ओवर के बाद रन की तादाद 47 हो चुकी है। आवाज मुझे बताते रहना है। चार के बाद 47। वंस अगेन शॉट खेला है, इस बार दो रन की कॉल है। गेंद भी काफी ऊपर है और दो रन आसानी के साथ मिल जाएंगे। उस्ताजी बॉलर ने क्लीन बैट बॉल है। कलीम भाई हैं बॉलिंग पे जी। वंस अगेन शॉट खेला है, इस बार हसन पेंडा पकड़े गए, बहुत देर से विकेट पे मौजूद थे। बहुत बड़ा विकेट हासिल किया है हसन पेंडा की सूरत में। यार ये कलीम उल्तानी नहीं है, कलीम उल्तानी नहीं है। चार गेंदें बाकी हैं, 49 रन हो चुके हैं। शॉट इस बार भी एक से छह गिनती कीजिएगा। बेहतरीन कनेक्शन जैन पेसर के बल्ले से। साइम अब्बास नकवी भाई, अहमद लेफ्टी का नाम तो लिखा है लेकिन अब उनकी टीम बॉलिंग पे आएगी तो तब ही पता चलेगा। अगला गेंद जी कलीम सामने जैन पेसर। ये गेंद अच्छा था लेकिन अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल है।
56 रन हो चुके हैं। अगला गेंद जी कलीम शॉट खेला है, नो मैन्स लैंड एंड बॉल गोज टू द बाउंड्री लाइंस। साठ रन हो चुके हैं। ये टीम हुरम चकवाल की और विकी की टीम के लिए ये टू एंड आई सिचुएशन है। यहां से तमाम मैचेस जीतने हो गए अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। वंस अगेन कलीम, हाँ बेहतरीन बॉल था ये, डॉट करने में कामयाब हुए हैं। ओके हो गया आसम भाई, आवाज भी बता दीजिएगा। 60 रन हो चुके हैं, गालबन एक से दो गेंदे बाकी हैं। आखिरी गेंद कलीम, सामने मौजूद जैन पेसर। जी हाँ इस बार भी बेहतरीन गेंद था, डॉट करने में कामयाब हुए हैं और यूं पांच ओवर अपने खिताम को पहुंचे हैं।
यार बैग किधर गया? सही है ये। लो जी दोस्तों, खुश आमदीद कहा जाता है एक बार फिर से आपको सियालकोट क्रिकेट पेज पर। हुरम चकवाल आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए, उनके साथ आ चुके हैं उस्ताद सरमद अमीद फ्रॉम जेलम। उस्ताद और शागिर्द के मबैन मुकाबला है। उस्ताद स्ट्राइक पर मौजूद है, नॉन स्ट्राइक पर मौजूद होंगे शागिर्द हास। सोनी भाई बाहर गए थे, पानी ले आता बंदा। पांच ओवर में 62 रन तक जाना है। एक एक बार आप तमाम दोस्तों ने वीडियो को शेयर करना है। सलमान लेफ्टी आए हैं बॉलिंग के लिए, सामने किंग ऑफ एशिया हुरम चकवाल होंगे। पांच ओवर में 62 रन तक जाना है। एक एक बार आप तमाम दोस्तों ने वीडियो को शेयर करना है। वालेकुम अस्सलाम आबद नजीर भाई, अगला गेंद जी, पहला गेंद होगा, सामने हुरम चकवाल है। शॉट, फील्डर मौजूद, किंग ऑफ एशिया इज गॉन। ये बड़ा विकेट है हुरम चकवाल, आउट होकर वापस पहुंचेंगे अपने खेमे में। ये बहुत बड़ा विकेट है टीम बॉलिंग के लिए। ये होम कंडीशन हुरम चकवाल की, होम टीम, पहली गेंद, पहला विकेट। गेंद बजा भी नहीं बल्ले से। हुरम चकवाल आउट होकर वापस पहुंचे हैं। नुकसान उठाना पड़ा है, बट्टी कलंदर कॉल, लेकिन छोटा विकेट ज्वाइन करेंगे टीम को। छोटा विकी ने ज्वाइन किया है, और क्या वो पिछले मैच की जो कारकर्दगी है उसको बिल्कुल नहीं दोहराएंगे, क्योंकि पहले मैच में बगैर कोई रन बनाए आउट हुए थे छोटा विकी। बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, चेज मास्टर हैं छोटा विकी, चेज मास्टर हैं सरमद अमीद फ्रॉम जेलम। दोनों साइड
बाजू अंदर करना, बाजू अंदर करना भाई, बाजू अंदर करना, बाजू अंदर कर लो ना, बाजू अंदर कर लो। छोटा विकी आए हैं स्ट्राइक पर, सामने सुलेमान बनीर, सुलेमान लेफ्टी, दूसरा गेंद, ओ गुडनेस मी, इस बार लेग बाई की सूरत में एक स्कोर का इजाफा होगा। रन्स का टारगेट है, चेस मास्टर दोनों विकेट पे मौजूद हैं, सुलेमान लेफ्टी बॉलिंग पे मौजूद हैं, सरमद अमीद फ्रॉम जेलम जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी वो अभी विकेट पे मौजूद हैं। टारगेट चाहे छोटा है लेकिन कुछ भी हो सकता है, पिछले मुकाबले में एक हैट्रिक ने सारा निजाम जो है धर्म भरम किया था, इस मुकाबले में कुछ इस तरह की कारकर्दगी देना होगी बॉलर्स को। जो शहीन मरीद के बॉलर्स ने दी थी, सफी मियांवाली ने, अहमद कुल्फी ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग का मजारा किया था, पहले तीन ओवर में मैच से दूर रखा था टीम बटी कलंदर के बल्लेबाजों को। सुलेमान बनीर एक बार फिर से आ रहे हैं, शॉट, इस बार भी एक से चेता गिनती कीजिएगा, इस बार गेंदी बैकवर्ड स्क्वायर लेग को पार करके छह रन के लिए, नो बॉल प्लस चक्का, बिना बॉल सात रन आ जाएंगे। बड़ा टफ जो है, बड़े टफ मैचेस हैं आज के दिन में, जो तमाम टीम्स हैं उनके मबैन अगला गेंद जी सुलेमान बनीर, बटी कलंदर पहला मुकाबला अपना लूज कर चुकी है, ये दूसरा मुकाबला खेल रही है, सरमद अमीद बैटिंग पे मौजूद हैं, सुलेमान एक बार फिर से आ रहे हैं, ये अच्छा गेंद था, अंदरूनी किनारा लगा है, डॉट बॉल करने में कामयाब हुए हैं सुलेमान। हुरम चकवाल की टीम अगर ये मुकाबला हारती है उनके पास कोई चांस नहीं है। केसी आउट हो गया पहली गेंद पर, मैच की पहली गेंद पर केसी आउट होकर वापस पहुंचा है। सुलेमान सामने मौजूद, सरमद अमीद शॉट खेला है, ये लीजिए इस बार भी एक से छह गिनती कीजिएगा, इस बार गेंद मिड विकेट के बाहर, छह रन के लिए, दूसरा छक्का हिटमैन के बल्ले से। मूसा डीजी खान अभी तक कंफर्म नहीं है, आज के दिन में वो नहीं है, शायद कल के दिन में वो किसी टीम की तरफ से आ जाएं, आज किसी टीम का हिस्सा नहीं है मूसा फ्रॉम डीजी खान। अगला गेंद जी सुलेमान बनीर, सामने मौजूद सरमद अमीद फ्रॉम जेलम क्लास मास्टर, ये अच्छा गेंद था, दफाई अंदाज के साथ खेला है, एक स्कोर बिल्कुल नहीं, दो रन पर गुजारा करना होगा। जी जी बिल्कुल लाइव है ये, उसामा का मुकाबला कल के दिन का पहला मुकाबला होगा। उमर भाई टारगेट 62 रन का है पांच ओवर्स में, टारगेट है पांच ओवर्स में इस मैच को जीतने के लिए। बंटू नहीं है,
रन आउट का रिव्यू वहां पर लिया गया है। पहाड़ा च आ गए गर्मी लगन पे। अंपायर कॉल आना बाकी है। जी हाँ, नॉट आउट का इशारा है वहां पर। दोनों अंपायर्स का जो मुश्तरका तौर पर फैसला है। फखर अहमद भाई, एफएमसी का मुकाबला कल होगा। सलमान लेफ्टी एक बार फिर से रवाना होंगे। सामने सरमद अमीद फ्रॉम जेलम, शॉट। इस बार डीप फाइन लेग को पार किया गया इन 6 रन के लिए। एक और छक्का, यह तीसरा छक्का इस ओवर में। असद शाह का मुकाबला इसके बाद होगा। एहसन जहां से चिट्टा, रिजवान शाह, फराजी चकवाल, अहमद कुल्फी, सफी मियां वाली, उमर मेरी भाई, वालेकुम अस्सलाम। अरशद भाई, अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, इस वजह से यही सोचा है कि बिल्कुल आराम से चला जाएगा, मौके की मुनासबत से जो है वो चला जाएगा। गुजरात में यकीनन आप तमाम को मजा आया होगा। माहौल बनने दे, फिर इंशाल्लाह आपको मजा भी आएगा। इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है, जब माहौल बनेगा आप तो फिर मजा आएगा। 22 रन हो चुके हैं। हसन पेंडा मुजम्मल कामोगी की टीम के 2 ओवर्स में 22 थे और हरम चकवाल की टीम के पहले ओवर में 22 रन हो चुके हैं, एक विकेट एक नुकसान पर। सरपरस्ते आला छोटा विकी फ्रॉम मुल्तान, हरम चकवाल इनकी सरपरस्ती में ये टूर्नामेंट जारी और सारी है इस वक्त। जैन आया बॉलिंग के लिए, शॉट खेला है डाउन द ग्राउंड, फील्डर तैनात पीछे, लेकिन गेंद पर गिरफ्तार थी, इसको बिल्कुल नहीं रोक पाए वहां पर फील्डर। मजीद 4 रन मिल जाएंगे। रन्स का टारगेट है। 5 ओवर में 26 रन हो चुके हैं, अभी तक 7 लीगल गेंदें हुई हैं। अगला गेंद जी, जैन पेसर शॉट खेला है, जी हाँ, छोटा विकेट गॉन, एक और बड़ी विकेट, यहां से भी कमबैक हो सकता है। ये चकवाल में टूर्नामेंट जारी और सारी है। बट्टी गुजरा की सरजमीन पर बट्टी कलंदर, जो मुल्क पाकिस्तान की जानी मानी टीम है, उनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, रुबे रवा हैं, उनके जेर निगरानी ये टूर्नामेंट जारी और सारी है। यार मैंने आपको बताया कल दूसरा या तीसरा मैच है, 10 या 11 बजे मैच होगा, 10 या 11 बजे मुकाबला होगा एफएमसी का। केसी आउट होकर वापस पहुंच चुके हैं। रबाडा आए हैं नए आने वाले बल्लेबाज,
साथ देंगे सरमद हमीद फ्रॉम जेलम का, उस्मान जट भी टारगेट है 61 रन्स का, 5 ओवर्स में 26 रन हो चुके हैं, पहली 8 गेंदें अभी तक हुई हैं। केसी का मैच जारी है, केसी आउट होकर वापस पहुंच चुके हैं, छोटा विकी आउट होकर वापस पहुंच चुके हैं, दो बड़ी कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। ज़ैन पेसर एक बार फिर से आ रहे हैं, सामने मौजूद होंगे रबाडा। ये अच्छा गेंद था, डॉट करने में कामयाब हुए हैं ज़ैन पेसर, बेहतरीन गेंद था ज़ैन की जानब से, बिल्कुल बेबस दिखाई दिए इस गेंद पर होरम रबाडा फ्रॉम लाहौर। अगला गेंद जी ज़ैन पेसर, सामने होरम रबाडा फ्रॉम लाहौर, बॉल कर दिया इस बार, ये विकेट गई। ये तीसरा विकेट गिरा है सरमद हमीद अकेले तने तना लड़ते हुए। वारिस भाई बाहर जाते हो ना, बाहर बाहर जाने ना आपने इस मैच के बाद। इमरान मारू अब यकीनन बल्लेबाज के लिए आएंगे जी। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, सदाम हसैन भाई, अच्छी बैठ का मुकाबला गारमन कल होगा, सियालकोट स्पोर्ट्स ने हमें ज्वाइन कर रखा है, वालेकुम अस्सलाम जी। 360 का मुकाबला इसके बाद होगा, असद शाह, उमर बाजवा, राणा मोहसन, ये मध्य मुकाबल होंगे, एहसन जहाजेब चिट्टा, अहमद कुल्फी, रिजवान शाह फ्रॉम अटक, सफी मियाँ वाली, उसके साथ बाकी भी कुछ प्लेयर्स हैं। वो पड़ा है, वो पीछे पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट स्पोर्ट्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुने कैसे हैं। केसी और छोटा विकी आउट होकर वापस पहुंच चुके हैं, होरम रबाडा भी आउट होकर वापस पहुंच चुके हैं, और 26 रन पे ये दूसरा तीसरा विकेट गिरा है बट्टी कलंदर का इस मुकाबले में। सिर्फ ये मैच होरम चकवाल को जीतना होगा, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि होरम चकवाल जो है फिर किसी बॉलर को नहीं बख्शेंगे, ये मैच कहीं ना कहीं जीतना होगा होरम चकवाल की बट्टी कलंदर को। रहमान भाई ओके हो गया, इसे दादा वीर सियालकोट से ताल्लुक है, थोड़े अरसे में बड़ा नाम कमाया है। ये अच्छा गेंद था, ये बारी किनारा लगा है, एक ही स्कोर पर गुजारा करना होगा। असलान भाई ओके हो गया आप जी जी, पेंडा ब्रांड है भाई, पेंडा ब्रांड है भाई, ये इन्हीं वजह से जाना जाता है, ये अब टिपिकल लसन पेंडा है। रन्स थोड़े हैं लेकिन फिर भी टीम को लड़ा रहे हैं, रन्स इतने बोर्ड पे नहीं है लेकिन फिर भी जान मारते हुए नजर आ रहे हैं हसन पेंडा एंड कंपनी। बंटू भाई आज के दिन में नहीं है, महमूद खान भाई टारगेट भाई 61 रन का है, मोइस भाई वेलकम जी, प्यारे भाई वाजिद बट्टी भाई, बंटू भाई का आज कोई मैच नहीं है, मे बी कल किसी टीम की तरफ से आ जाएं, वैसे भी पोस्ट लगा दी जाएगी कल जो जो प्लेयर्स आएंगे। इसके बाद मुकाबला है सच्चा का, इसके बाद मुकाबला उमर बाजवा का। अगला गेंद ये दफाई अंदाज के साथ खेला है सरमद ने, एक मजीद स्कोर जुड़ जाएगा खाते में। वालेकुम अस्सलाम भाई हमजा बट्टी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, तमाम दोस्त आपने अपनी लोकेशन को लोकेशन बताएंगे।
हमजा भट्टी बिल्कुल आपका सलाम दिया जाएगा हसन पेंडा को। मलक अजलान भाई आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अजलान भाई कराची से हैं, थैंक यू सो मच। अजमल खान भी वेलकम। हमजा भट्टी भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं। इस मैच की अपडेट ये है कि 27 रन हो चुके हैं 28 दो ओवर के खेल के हाथ में के बाद, दो ओवर के बाद 27 से 28 रन हो चुके हैं। हमजा शाह चिश्ती यूके से हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद को इंशाल्लाह आपका सलाम देंगे। अलीपुर से हरेरा भाई ज्वाइन कर चुके हैं, सिंध से जेरी भाई, इस्लामाबाद से जुल्फकार अब्बासी भाई, वालेकुम अस्सलाम आमर मलक भाई, वीडियो को शेयर करना है साथ साथ आपने वीडियो को लाइक करना है अगर आप चाहते हैं कि मसलसल सियालकोट क्रिकेट का हिस्सा बने आप। पेंडा भाई बहुत सारे दोस्त आपको सलाम दे रहे हैं। हसन भाई, हसन भाई, हसन सलाम आ रहे हैं बहुत सारे, सलाम सारे देंगे जी भाई आपका सलाम दे दिया है। हेलो जी जी फैसलाबाद में इंशाल्लाह शाम को लाइव एक्शन होंगे इंशाल्लाह। ज़हीर अहमद भाई वालेकुम अस्सलाम। हमजा भट्टी भाई आपका सलाम मैंने दे दिया है। दो ओवर के बाद 28 रन हो चुके हैं, सरमद अमीद विकेट पे मौजूद हैं। और बॉलिंग पे मौजूद होंगे सुलेमान, सुलेमान फाम बनीर, सामने हसन पे सरमद अमीद, शॉट खेला है, इस बार गेंद नो मैन्स लैंड में गिरेगी और रन्स चार मिल जाएंगे। केसी आउट हो गया असद भाई, ओके थैंक्स। हमजा भट्टी भाई, राजा रोमियो भाई वेलकम, थैंक यू सो मच। अमर मलक भाई थैंक्स। वीडियो को एक एक बार आपने लाइक करना है, वीडियो को एक एक बार आपने शेयर करना है। कादर कश्मीरी का मुझे कंफर्म नहीं है। मलक हसन भी कह रहे हैं आया जेलम आलात, ओके हो गया सर, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना है आप तमाम दोस्तों ने। 17 गेंदे 29 रन बाकी हैं। सरमद अगर यहां पर आउट होते हैं, सरमद का विकेट हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं चांस बन सकता है। अदरवाइज सरमद एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो आखिरी 6 गेंदों पर भी 20 प्लस रन चेस करने की सलाहियत रखते हैं। केसी ब्रांड को आपका सलाम इंशाल्लाह देंगे। असद शाह का मुकाबला इसके बाद है। सुलेमान एक बार फिर से सामने, सरमद अमीद फ्रॉम जेलम, शॉट बिगेस्ट ऑफ द डे, माइल्स अवे फ्रॉम द ग्राउंड, सरमद अमीद फ्रॉम जेलम, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से गेंद गई हवाओं से बातें का चुई 6 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी सरमद अमीद की जानब से हुरम और विकी के आउट होने के बाद। आया जेलम आला, बिल्कुल जी अठतीस रन हो चुके हैं। सरमद अमीद अकेले तने तना लड़ते हुए, वंस अगेन अगला गेंद, शॉट खेला है, चेंज ऑफ पेस थी, गेंद जा रही है ओवर एक्स्ट्रा कवर के एरिया में और रन चार मिल जाएंगे। हिटमैन नजाकत से और ताकत से भी काम लेता हुआ। हसन
मलक हसन भाई उस्ताद कह रहे हैं, हसीब अफजाल भाई क्लास मास्टर कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। आवाज़ भी बताते रहने आप तमाम दोस्तों की आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है कि नहीं। अब मैच के बहुत नज़दीक आ पहुंचे हैं बट्टी कलंदर, शॉट खेला है, ये लीजिए एक और छक्का, इस बार लॉन्ग ऑन के ओवर से गेंद को पहुंचाया है हवाई रास्ते में 6 रन के लिए। सरमद अमीद फ्रॉम जेलम, मुश्ताक भाई कह रहे हैं ओके हो गया सर। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है आप तमाम दोस्तों ने। अगला गेंद सुलेमान, शॉट, इस बार बी गेंद को पहुंचाया हवाई रास्ते से 6 रन के लिए, इस बार बी रन 6 मिलेंगे। क्लास मास्टर सरमद अमीद फ्रॉम जेलम, मैच छोड़ दिया। हसन पेंडा ने कहा कि हम छोड़ रहे हैं मुकाबला, लेकिन उस्ताद का कहना है कि हम खेलेंगे। बाबर जाने में टारगेट है 61 रन का। वंस अगेन अगला गेंद, शॉट खेला है, इस बार 20 रन से और मुकाबला खत्म। इसके बाद मुकाबला है, असद शाह की टीम टकराएगी टीम शहीन मुरीद के साथ। अगले मैच में आपने दोबारा से ज्वाइन करना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।